What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 19 जून 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:38 हो रहा है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो आज निफ्टी में कल जो एक्सपायरी के दिन एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, क्या ये कंटिन्यू हो पाएगी, कहां पर हर्डल्स है, कहां सपोर्ट है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 18 जून आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,013, जो कि अराउंड ये जो लास्ट जहाँ से ये फॉल दिखाई दिया था एक दिन पहले, वहाँ उसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, ये दो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट लेवल के बीच में ओपन हुआ और धीरे एक चौपी मार्केट था। पहले दो आर्स एक चौपी मार्केट देखने को मिला, बाद में एक न्यूज़ आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ योजनाओं का ऐलान करने वाले हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही ये जो लास्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था उसको ब्रेक करने के बाद ब्रेकआउट लेवल भी हमारा ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट 10,043 और सेकंड टारगेट 10,075 ये दोनों यहाँ पर अचीव हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 38 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार देखे तो फिर से एक बार हरे निशान में बंद हुए, रिकवरी वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि इतनी स्पीड से रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है धीरे धीरे, जो कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आने की आशंका जताई जा रही है। तो उसके मद्देनज़र थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रहा था मार्केट में। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कल सभी लाल निशान में बंद हुए थे। एशियाई बाजार देखे तो आज वहाँ पर थोड़ा मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त दिखा रहा है 3 पॉइंट की। जापानीज इंडेक्स भी 30 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, हालांकि हांगकॉन्ग मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 61 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो फ्राइडे हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, एशियाई बाजार थोड़ा मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, नीचे RSI इंडिकेटर है और ऊपर प्राइस एक्शन है। अगर ये फॉल को हम देखें, यहाँ से इस फॉल का लो और ये जो टॉप है, इस टॉप को पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकले तो 50% का ये जो लेवल है 9567, यहाँ पर आने के बाद इसने ये बाउंस बैक दिखाया। और ये जो 3 दिन से इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा था, इस हाई और लो के बीच में ये क्लोज हो रहा था, तो कल इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया और 100 EM है इसके ऊपर भी ये क्लोज हुआ है। तो अभी यहाँ से अगर अपसाइड मूव आता है तो कहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं, इसके लिए अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर ड्रॉ करें, ये स्विंग लो हाई और इस लो को पकड़ के, तो ऊपर अभी ऑलमोस्ट 38.2% का लेवल इसने अचीव कर लिया। तो ऊपर अगर ये 10,125 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें नेक्स्ट लेवल जहाँ से ये फॉल आया था अभी 10,300 के पास, ये नेक्स्ट लेवल यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। RSI को नीचे देखे तो यहाँ पर इसने अभी ये राइजिंग बॉटम्स बना दिया है, जो कि अभी लोअर हाई लोअर लो ये जो पैटर्न में चल रहा था, इसने यहाँ पर ये राइजिंग बॉटम्स बना दिया है और ये जो इसका नेक लाइन बन रहा था इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो हो सकता है 10,125 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से थोड़ा नीचे आकर, ये यहाँ पर नीचे आकर 100 EM में जो है यहाँ पर ये अराउंड अभी 10,000 के पास है, तो हो सकता है यहाँ पर ये फिर से एक बार 10,000 को एज ए सपोर्ट टेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये यहाँ पर देखना होगा, अभी भी जो स्विंग हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से अपसाइड मूव अगर कंटिन्यू होता है तो स्विंग हाई को इसको ब्रेक करना होगा, तो ही यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को देखें तो ये 10,125 के पास आ रहा है, और अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें
तो एक रेजिस्टेंस लेवल आपको फाइंड आउट यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर इसने पास्ट में एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया और इधर भी 3 बार इसने इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया है। तो आज का ब्रेकआउट लेवल हो सकता है ये जो लेवल है अराउंड 10,133। ये अगर कम्प्लीटली ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,174। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 10,214। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ब्रेकडाउन लेवल कल का जो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था, यानी आज का पिवट पॉइंट के लेवल के पास जो कि 10,015 के पास है, ये हमारा आज का ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसने ये जो रेजिस्टेंस फेस किया है, कल भी ये यहाँ पर एक हर्डल थोड़ा सा पॉज लिया था, तो जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है वो सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले समय में। तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9,984। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9,958। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।